तो फोर्थ क्वेश्चन में हम ये देख सकते हैं कि हमारे को कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला पता है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 टू द पावर ऑफ टाइम, जहाँ पे ए है अमाउंट, प्रिंसिपल बी है, आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट और टी है कितना टाइम। तो जैसे कि मान लीजिए अब मेरे पास है 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने, और इन्वेस्ट करे और मान लो कि मुझे एक साल में 1 ईयर में मुझे इंटरेस्ट मिल गया मान लीजिए 1,000 रुपीज़। तो ये क्या है, मेरा इंटरेस्ट है ना। और जो मुझे अमाउंट मिलेगा एट द एंड ऑफ 1 ईयर वो कितना हो गया, अब ये 10,000 प्लस 1,000 मतलब मुझे कितना मिलेगा एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 11,000 रुपीज़। ठीक है, तो अब अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करना चाहें तो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 10,000 था, क्या बोला है उसके अंदर क्वेश्चन में कि भाई 10,000 रुपीज़ हमने इन्वेस्ट करे, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना है 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ इसमें 8 बाय 100 टू द पावर ऑफ 1। तो सॉल्व करेंगे तो 100 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 108 बाय 100। अब ये दोनों जीरो कटे, ये दोनों जीरो कटे, तो 108 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आ जाएगा 108,00। तो ये अमाउंट मुझे मिलेगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अब आ जाते हैं अपन सेकेंड ईयर पे, बाकी सारी क्वांटिटी सेम है, प्रिंसिपल कितना है जैसा इस फॉर्मूले में पुट किया है 10,000 रुपीज़, 1 प्लस तो जैसे इसमें भी है 1 प्लस, रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह पे क्या पुट करा है 8 बाय 100 टू द पावर ऑफ 2, 2 ईयर्स है, इधर पे आ जाएगा 108 का स्क्वायर। अब 10,000 तो है ही यहाँ पे, अब 108 का स्क्वायर है तो 108 × 108 / 100 दो बार आ जाएगा। अब ये दो जीरो और ये दो जीरो, चार जीरो ऊपर से कट गए, 108 मल्टीप्लाइड बाय 108 कितना हो जाएगा 11,664। तो आई विल पॉज, ये कैलकुलेशंस है 108 मल्टीप्लाइड बाय 108 की, तो यू कैन व्यू ओवर हियर ये कैसे मैंने कैलकुलेशंस करी। अगर किसी को डाउट है प्लीज़ कमेंट। तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 11,664। अब नेक्स्ट आ जाते हैं अपन अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, तो 10,000 अगेन प्रिंसिपल के फॉर्मूले में पुट होगा, 1 प्लस रेट कितना है 8 बाय 100, अब ये टू द पावर ऑफ 3 है। अब ये 10,000 है मल्टीप्लाइड बाय 108 × 108 × 108 डिवाइडेड बाय 100 कितनी बार आ रहा है 3 बार। अब ये चार जीरो तो कट गए, अब इन दोनों को हमें, इन तीनों को करना है मल्टीप्लाई। अब ये 108 × 108 कितना था यहाँ पर 11,664, और उसको फर्दर किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 108 से। तो ये इसकी कैलकुलेशन है, यू कैन अगेन पॉज और आप देख सकते हो, अगर कोई डाउट है यू कैन ऑलवेज आस्क। तो आंसर आ जाएगा हमारे यहाँ पे 125,972। अब इसमें डिवाइडेड बाय करना 100, तो अगर दो जीरो नीचे से हटाएंगे तो ऊपर का जो डेसिमल प्लेस है वो लेफ्ट हैंड साइड दो पॉइंट्स शिफ्ट करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 12,597.12। तो ऐसे करके जो हमारी सीरीज़ बनी वो सीरीज़ ये बनी, पहला साल जो है 10,000 तो था इनिशियल प्रिंसिपल, ए टू सेकेंड टर्म जो हमारी थी वो कितनी थी 10,800, थर्ड टर्म कितनी आई थी 11,664, और फोर्थ टर्म ये आई थी 12,597। अब सिंपली हमने इसका फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस, तो ए टू माइनस ए वन, 10,800 माइनस 10,000 आ जाएगा आंसर 800। अब नेक्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 11,664 माइनस 10,800, जब इसको सॉल्व किया तो आंसर आ रहा है कितना 864। आई होप कैलकुलेशंस आर करेक्ट, ये करी हुई है यहाँ पे कैलकुलेशंस, इफ़ देर इज अ डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क। अब यहीं पे हमें समझ आ रहा है कि इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 800 है, और इन दोनों का कितना है 864 है, तो यहीं दिख रहा है ना कि इट इज़ नॉट द सेम। तो अगर नहीं है तो अपन बोलते हैं नो इट इज़ नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। थैंक यू।